प्लीज भाई कोई मारना नहीं यहाँ पे गाइस। ठाक अभी अतोड़ा कंप्लीट होने वाला। ओ भाई कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। ओके गाइस यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है मास्टर ऑफ द रिंगिंग सी। भाई साहब क्या ही एनिमेशन है भाई, कितना ज्यादा औसम है। ओके यहाँ पे मुझे मिल चुका है भाला अभी। भाई यही तो एनिमेशन चाहिए था यार, आई यही तो चाहिए था भाई, बाकी तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो फाइनली मेरा कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी देर के बाद ही कंप्लीट हो जाके, मतलब काफ़ी मेहनत लग गई इसमें। अपने दोस्तों तो कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गए सर बीजीएमआई के अंदर भाई एक बार फिर से एक खतरनाक अचीवमेंट आ चुका है। जी हाँ गाइस, जैसे हम लोग का एक बार ड्रैगन बॉल का अचीवमेंट देखने को मिला था, बिल्कुल ही वैसा ही अचीवमेंट हम लोग को देखने को मिला है मास्टर ऑफ द रिंगिंग सो। ठीक है तो गाइस सर ये जो अचीवमेंट है ना भाई बहुत ज़्यादा हार्ड है। देखो यहाँ पे ड्रैगन बॉल वाला आया था वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया, लेजेंडरी टीम का टाइटल भी ले लिया था। अभी गाइस बारी है इसको कंप्लीट करने की एंड आपको बताने की कि कैसे आप लोग भी इसको कंप्लीट कर सकते हो बहुत आसानी से बिना 10-7 चिकन करे हुए, 0 चिकन में। जी हाँ गाइस काफ़ी ज़्यादा कमाल की ट्रिक है, वीडियो को एंड तक देखना, सभी कुछ बताऊँगा एंड कैसे कंप्लीट करना ईजी से ईजी, और मैं कैसे कंप्लीट करूँगा ईजी से ईजी से, सब कुछ आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा आज की वीडियो में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे हम लोग को ड्रैगन बॉल में 7 चिकन करने पे एक ट्रॉफी देखने को मिलती थी, बिल्कुल ही वैसा ही ये भी अचीवमेंट है। इसमें आप लोगों को बैक टू बैक 7 चिकन डिनर करना है, चाहे आप एरेंगल में करो, चाहे आप लिविक या मिरामार या शेनोक या विकेंडी वगैरह में करो, तो आपको बस 7 चिकन करने हैं। जैसे आप लोग 7 चिकन बैक टू बैक कर लोगे, अगर मिस नहीं करते हो तो आप लोगों को मिलेगी एक कॉइन। अब वो कॉइन बोल सकते हो या ट्रॉफी बोल सकते हो, क्योंकि पिछली बार हम लोग को ट्रॉफी मिली थी तो इस बार ट्रॉफी तो नहीं है, लेकिन हाँ वैसा ही कुछ है जिसका नाम है हार्ट ऑफ द सी। तो ये ट्रॉफी तो नहीं है लेकिन एक कॉइन के तरीके से है, तो आपको ये मिल जाएगी। मतलब कोई बंदा अगर फ्रेंड आपका भी अगर 7 चिकन डिनर कर लेता है स्क्वाड में, डुओ में या सोलो में, तो उसको ये ट्रॉफी मिल जाएगी। अब जैसे किसी बंदे के पास ये ट्रॉफी है, अगर आप चाहते हो उस बंदे के साथ कम्प्लीट करना तो आप लोग जाके उसके साथ कम्प्लीट कर सकते हो, आपका भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहली चीज़ है कि मैं यही कहूँगा कि एरेंगल करना 8वां मैच। आज पहले तो चिकन डिनर कोई सा भी मैप खेल के कर लियो, चाहे आप लिविक हो या चाहे आप एरेंगल वगैरह हो, किसी में भी कर लियो कोई दिक्कत नहीं है। 8वां मैच आपको शायद एरेंगल ही लगाना होगा, एरेंगल लगा के आपको स्टार्ट करना है। अभी मैं आपको बता दूं कि वो जो कॉइन है वो अगर आप 8वां मैच खेलते हो, अगर मर जाते हो लैंडिंग करने से पहले, तो समझ लो कभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब ठीक है। तो आपका स्टार्ट कब से होगा वो चीज़ आप लोग समझ लो कि देखो, अब अगर आप 8वां मैच स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के बाद आपको जो लोकेशन दी जाती है आप लोगों को उस लोकेशन पर जाना है। देखो उस लोकेशन पर जाओगे तो आप लोगों को उस लोकेशन पर जाने के बाद, चलो मैं आपको लोकेशन पर चलता हूँ, यहाँ पे आ चुका हूँ। अभी गाइस जिसके पास वो वाली कॉइन है उस बंदे से कहना है कि एक्टिवेट करे, अगर एक्टिवेट करने से पहले मर जाते हो तो आपका जो ये कॉइन है वो बर्बाद नहीं जाएगी, आप लोग नेक्स्ट मैच में ट्राई कर सकते हो। एक्टिवेट करने के बाद अब आपका यहाँ पे मिशन स्टार्ट हो जाता है स्टेज 1। अब स्टेज 1 में आपको क्रिस्टल ढूंढने होंगे एक सूट जब जो जिसके भी हैं, तो ये क्रिस्टल मैं इसको बोल रहा हूँ, पता नहीं इसका क्या क्या ही मतलब क्यों दिया इसने। तो ये जब बेसिकली आपको यही ढूंढना रहेगा, पोसाइडन का क्रिस्टल है या कुछ भी बोल सकते हो टुकड़ा। तो आप लोगों को और एक चीज़ पहले बता दो कि स्टेज 1 में आपकी जो लोकेशन है वो किसी एनिमी वगैरह को नहीं पहुंचेगी, तो आप लोग बिंदास लूट कर सकते हो। और एक चीज़ और भी है जो कि थोड़ा सा कम डराने वाली है, वो ये है कि अगर आप लोग स्टेज 3 या 4 तक बाई चांस आराम से खेलते हो ना, तब तक आपके पास रिकॉल रहेगा, आप रिकॉल हो जाओगे मर के, ठीक है। पर याद रहे कि तो मरने से अवॉइड करना, क्योंकि क्या फ़ायदा है आप ऐसे टाइम पे मरो जिस टाइम पे रिकॉल ना मिले, फिर आपके टीममेट का हो जाएगा, आपका नहीं होगा, फिर कोई आपका अकेले आके कराएगा नहीं। स्टेज 2 आप लोगों को हो सकता है कि पोचिंकी में मिले या कहीं पे भी मिलेगी। तो जितने भी क्रिस्टल आपको पोजाइडन के मिले थे, तो आप लोग पोजाइडन स्टील मिले थे, तो आपको उन सभी को ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रिपेयर करने का ऑप्शन आएगा, तो आप लोगों को क्या करना है, मतलब रिपेयर या सेटिंग जो भी बना ऑप्शन आएगा लेफ्ट में, आप लोगों को उस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हो कि ये सेटिंग आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो सेटिंग जैसे स्टार्ट हो जाएगी तो ये आपको वेट करना रहेगा, और ये लेटे लेटे नहीं करेगा, खड़ा होकर करेगा, तो आपके टीममेट वगैरह कवर दें। अभी तक आपकी लोकेशन किसी एनिमी को वगैरह को नहीं जा रही है, तो आप लोग अभी तक बिंदास कर सकते हो, ठीक है। तो स्टेज 1 तो कंप्लीट होगा, स्टेज 2 आपका चालू हो जाएगा, जो कि आपकी लोकेशन मिलेगी उस लोकेशन पर जाना रहेगा। और स्टेज 1 में आपको स्टील ढूंढना रहेगा, स्टेज 2 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो पोजाइडन का हेड है
तो वो आपको ढूंढना रहेगा, तो वो आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आप लोग इसको भी कर देना, तो स्टेज टू अभी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब स्टेज थ्री आपका स्टार्ट हो जाएगा। स्टेज थ्री में आप लोगों को हथौड़ा ढूंढना होगा, जिससे आप लोगों को ये वाला अचीवमेंट कंप्लीट करना होगा, ठीक है। उसकी भी लोकेशन अभी शायद आपकी जो लोकेशन है वो एनिमी वगैरह को मालूम हो जाएगी इसके बाद से, ठीक है। उसके बाद से बड़ा गोला बन के जाएगा। उसके बाद जब स्टेज फोर पर जाओगे तो छोटा सा होगा, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी। अभी तक तो आपका भी सिर्फ एरिया पता चलेगा एनिमी, क्योंकि इस एरिया के अंदर है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होगी। तो स्टेज थ्री में आपको ये जो हथौड़ा है वो लेना रहेगा, जो कि आपको लोकेशन में कहीं पर जाके देखने को मिल जाएगा। हथौड़ा नहीं है, कुछ भी इसको बोल सकते हैं, हथौड़ा इसको बोल दिया। बाकी गाइस अभी तक आप अब जो लोकेशन है ना वो एनिमी वगैरह को आपकी पता लग जाएगी, तो आपको फाइट वगैरह तो लेनी पड़ेगी। और एक चीज़ ये है कि टाइमर से पहले आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक टाइमर रहेगा तब तक आप लोग को कहीं भटकना है या कहीं सर्वाइव करना है। एनिमी आपके पास आते रहेंगे आपको मारने के लिए, आपसे स्टील करने के लिए चीज़ें, ताकि जो वो खुद कंप्लीट कर पाएँ। तो आप लोगों को कैसे भी करके अच्छे से अच्छे स्क्वाड के साथ करना रहेगा, नहीं तो आप भी मरोगे, आपके टीममेट भी मरेंगे, एंड आपका जो मिशन है ये बर्बाद जाएगा पूरा। तो अच्छे स्क्वाड के साथ करना। एंड गाइस जैसे ये टाइमर कंप्लीट होगा आपका स्टेज फोर चालू हो जाएगा। अब स्टेज फोर आपका कहीं पे भी बन सकता है, मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे स्कूल पे भी मैंने देखा बनता हुआ। तो आप लोगों को स्कूल पे आना है। स्कूल पे आने के बाद गाइस देखो स्कूल पे टाइमर चलेगा, तो आप लोगों को क्या करना है कि देखो आपकी लोकेशन जो एग्जैक्ट है सभी बंदों को पता लग रही होगी। तो मैं यही कहूँगा कि देखो जिस जगह पे आपको समन करना हो उस जगह को एकदम कवर कर लेना गाड़ियाँ वगैरह लगाकर, और जितने बंदे हो सभी अपनी पोजीशन वगैरह ले लेना। नहीं तो आपको कहाँ कहाँ से गोलियाँ पड़ेगी, जो एक बंदा समन करेगा बाकी तीन बंदे जो होंगे वो कवर देंगे, चलेगा। एक ही बंदा कर देगा सभी का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप जल्दबाजी करोगे आप मारे जाओगे। आप लोगों को आराम से जाना है समन करना, ठीक है। अब और जैसे आप करोगे समन तो पहले आपका एक सेकंड चलेगा जो कि 5 सेकंड का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो अगला सेकंड चलेगा वो होगा 45 सेकंड का, जिसमें आपको मरना 100% तय है बीजमाई के अंदर, क्योंकि इतना स्प्रे आएगा, इतने ग्रेनेड वगैरह आएंगे ना कि आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो आप लोगों को देखो मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा ही नामुमकिन मुझे लग रहा है, क्योंकि भाई बीजमाई में ऐसा होता है ना कि आज के टाइम पे हर बंदा ग्रेनेड करता है, वहाँ पे आप गोलियों से नहीं मार सकते, इतना ग्रेनेड मोली कर देंगे ना कि आप डैमेज लेके ही फूट जाओगे। अब 45 सेकंड तो दूर की बात है, 10 सेकंड भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। लेकिन गाइस आप लोग जो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे टीममेट वगैरह होंगे, कवर वगैरह देते रहेंगे प्रॉपर, तो आपका हो सकता है कि कंप्लीट हो जाए और उन टीममेट का भी कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखना अगर कोई टीममेट मर जाता है तो उसका कंप्लीट नहीं होगा, जो टीममेट जिंदा होंगे सिर्फ उन्हीं का कंप्लीट होगा। तो चलो गाइस इस तरीके से जाके आप लोग भी ये वाला अचीवमेंट कंप्लीट कर सकते हो। नो डाउट बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मैंने भी करा, बहुत मेहनत लगती है भाई। लेकिन हाँ आप लोग अगर किसी एनिमी को मार देते हो जिनका ये मिशन चल रहा हो, उनसे अगर छीन के आप कर देते हो तो आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जाओ फटाफट से आप लोग भी कंप्लीट कर लो।